अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल पैसा कमाओ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट किस तरह बनाना है। आज की वीडियो है क्यू क्वाइन के ऊपर। नंबर 2 एक्सचेंज है पाकिस्तान के अंदर, सेकंड रैंक है। आपने क्यू क्वाइन के ऊपर अपना अकाउंट किस तरह बनाना है, इसको साइन अप पाकिस्तान के अंदर किस तरह करना है, ये आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को जी लास्ट तो तक स्क्रीन पे आ गए। देखिएगा। यहाँ अगर पे आपने हमारा सिंपली चैनल प्ले स्टोर को सब्सक्राइब नहीं ओपन कर किया तो लेंगे। चैनल हम को सब्सक्राइब प्ले कर स्टोर को दें। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू क्वाइन, QUCOIN, क्यू क्वाइन। क्यू क्वाइन लिख के हम सर्च करते हैं तो जो जो पहले नंबर पे एप्लीकेशन आई है हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये क्यू क्वाइन की एप्लीकेशन है तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जी ये इंस्टॉल हो गई है मेरे पास। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने ये ऐसे ओपन होगी। तो ये इसका मेन इंटरफेस है क्यू क्वाइन का। यहाँ पे देख लें सारे क्वाइंस हैं, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह है, सारे ऑप्शंस तकरीबन ऑलमोस्ट बाइनेंस की तरह ही है। मैं ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आ गया हूँ इस पेज पे। यहाँ पे मेरे सामने आपको नज़र आ रहा होगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लें जी। नीचे आके बता देता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। एक मिनट, यहाँ पे मुझे साइन अप का ऑप्शन दे रहा है तो मैं साइन अप कर लेता हूँ, साइन अप विद फ़ोन नंबर। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे अपना कंट्री पाकिस्तान सर्च कर लेता हूँ, PAKISTN। तो +92 पाकिस्तान आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना नंबर देंगे जिस नंबर के साथ आपने साइन अप करना है, और वो नंबर आपके पास एक्टिव भी होना चाहिए, उस पर OTP आएगी। उसके बाद ये पासवर्ड देना है मैंने, तो मैं यहाँ पासवर्ड मैं दे देता हूँ जी। तो मैंने पासवर्ड दे दिया और मैं क्रिएट अकाउंट, उसके बाद मैं रेफरल आईडी दे दूंगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा रेफरल आईडी। क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये ऐसे घूमेगा और उसके बाद मेरे सामने कैप्चा ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं कैप्चा ओपन होने का। कैप्चा को फिल करने के बाद जी ये इंटर कोड आ गया है, जो OTP आपके नंबर पे आएगी उस OTP को आपने इसमें फिल करना है। बाज़ दफ़ा ये एक से दो दफ़ा करने पे भी OTP आ जाती है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, रीसेंड कर लीजिएगा। अभी हम वेट करते हैं कि OTP आ जाए तो हम उसको यहाँ पे फिल कर लें। अभी तक OTP यहाँ पे नहीं आई तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और अभी 37, 36, 35, 34 ये सेकंड साथ चल रहे हैं तो ये रीसेंड हो गया। अच्छा जी मैं इसको रीसेंड कर लेता हूँ। ये स्लाइड को मैं दोबारा इसके अंदर जाकर फिल करता हूँ। ये भी कैप्चा है तो ये मैंने फिल किया तो 100% हो गया। अच्छा जी यहाँ पे फिर मैंने रीसेंड कर दी OTP जी। तो मैंने OTP इसमें फिल कर दी जो मेरे नंबर पे आई है। अब कह रहा है जी लॉग इन विद टच, मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ, मे बी लेटर पे। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ये एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा है, आपको लोकेशन मांग रहा है, स्किप कर दें इसको। फिर ये क्यू क्वाइन का मैसेज आ गया मुझे नोटिफिकेशन। अच्छा अब मैं ऊपर फिर निशान पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा आपको। उसके बाद मैं इसको आपको नज़र आ रहा होगा अभी अनवेरीफाइड अकाउंट, कि आपका अकाउंट अनवेरीफाइड है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ये वाला, आप इसको अनवेरीफाइड है अभी। इसके लिए वेरीफिकेशन के लिए अप्लाई करें, तो हम वेरीफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये कह रहा है जी आपको अभी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मैं वेरीफाई पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट मेरे सामने ये चीज़ ओपन होगी। यहाँ पे ऊपर मैंने अपना रेजिडेंस कंट्री सिलेक्ट करना है। अच्छा ये कह रहा है आईडी कार्ड से आप वेरीफाई कर लें, पासपोर्ट से कर लें या ड्राइविंग लाइसेंस से कर लें। तो हम स्मार्ट कार्ड से करेंगे, स्मार्ट कार्ड से बिल्कुल ईजी है। मैं आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी। अच्छा अभी ऊपर मैंने कंट्री को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे आके पाकिस्तान मेरा करंट कंट्री इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मुझसे कह रहा है जी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें यहाँ पे जो आईडी कार्ड के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ AB। अच्छा मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। आपने अपना पूरा नाम जो आईडी कार्ड पे वो लिखना है। अच्छा आपको फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, ऊपर आपने फर्स्ट नेम लिखना है जो आपके नाम का पहला लफ्ज़ है, और नीचे सेकंड नेम लिखना है आप, इस तरह मैंने लिखा है। इसके बाद आपने आईडी कार्ड लिख के इसको नेक्स्ट कर देना है। जब हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो मेरे सामने ये कह रहा है जी आप अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करें या पिक्चर टेक करें। तो मैं पिक्चर टेक करने पे क्लिक करता हूँ। पिक्चर टेक करने पे क्लिक किया तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया, मेरा कैमरा ओपन हो गया क्यू पॉइंट के अंदर। अब अपना आईडी कार्ड यहाँ पे रखेंगे, आईडी कार्ड रख के इसके फ्रंट की पिक्चर लेंगे और फिर बैक की लेंगे। यहाँ पे जब खुद ब खुद जब फिल हो जाएगा तो आपके आईडी कार्ड की ऑटो कैप्चर कर लेगा, आपने कुछ नहीं करना जी। मैंने बैक भी अपलोड कर दी यहाँ पे।
एडवांस वेरिफिकेशन मेरी कंप्लीट होगी, इस तरह आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं क्यू क्वाइन के ऊपर। इसके बाद आप इसमें अपना ईमेल को बाइंड कर दें, इसके साथ बिल्कुल इजी मेथड है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको एक दफ़ा अकाउंट दिखा देता हूँ, यहाँ पर एडवांस वेरीफिकेशन मेरी कम्प्लीट हो गई है, ये वेरीफाई हो जाएगा, मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, एक घंटे में हो जाए या दो घंटे में हो जाए, तो ये बता रहा है मुझे जी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। उसके बाद बैक पे आ गए, मेरे लिमिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। अच्छा जी, अब बैक पे आ जाते हैं हम, फिर वेरीफाइंग का भी ऑप्शन दे रहा है कि पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो ये थी आज की वीडियो, यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो सिक्योरिटी पे आके अपना ईमेल और फंड पासवर्ड भी बाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब।